condition of all. Furka now. Babete, shai koi ne. Babete, shai koi ne. Babete, shai koi ne. Babete, shai koi. 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 Babete. ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਤਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। आई एम सॉरी इन एडवांस, यूज हेडफोन्स। करामत शेख अली उमरी साहब उनका बाप होंगे, उनकी तारीख से जान करेंगे और करामत लिखेंगे। अच्छा उनकी करामत पता है क्या लिख रहे हैं? करामत लिख रहे हैं कि उनके शागिर्द मुरीद कह रहे हैं कि भाई मैं और इनका साला यानी मेरे पीर साहब के जो साले हैं हम तीन एक दफा बंद कमरे में थे, इन्होंने हमाम जिक्र किया, हमाम के अंदर हम तीनों थे और कोई नहीं था। कह रहे कि हमारे पीर साहब को गुस्सा आ गया किसी बात पर अपने साले पर। जब गुस्सा आ गया तो उन्होंने देखा आसपास कोई चीज मिली नहीं जिससे वो सजा देते। अब क्या किया? कह रहे उन्होंने करामत जाहिर की और करामत ऐसी जाहिर की इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि उनकी जो शर्मगाह थी उन्होंने कहा वो लंबी होना शुरू हो गई। अच्छा लंबी होते होते ये अल्फाज मौजूद है आखा का शेख इहलीला नफसी, ये रेफरेंस ले लीजिएगा, डाले लोग सारे पढ़े। अब यूसुफ निबानी कितना बड़ा नाम है उसकी किताब के अंदर ये करामत बयान हो रही है, गौर कीजिएगा। कह रहे हैं शर्मगाह जो है ना वो लंबा होता चला गया यहां तक कि उनकी कंधे से भी ऊपर निकल गया, उसके बाद अपनी ही शर्मगाह को उन्होंने डंडा बनाकर के पकड़ा और उसको सजा दी। कह रहे हैं उसके बाद फिर करामत का जहूर यह हुआ कि फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो ठीक हो गया बिल्कुल। कह रहे फिर हम कमरे से बाहर चले गए, जब कमरे से बाहर चले गए तो मैंने लोगों को बयान किया गया, हजरत ने तो ऐसा किया। कह रहे फिर हजरत ने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास तो वो है ही नहीं। कामयाब मर्द वो हैं जो रन मुरीद हो और गुस्सा आए तो ना निकालें, खुद निकल जाएं। यार मौला अली और सईदा फातिमा की जब लड़ाई हुई है बुखारी मुस्लिम में आया है तो हजरत अली घर से निकल गए। Let's enjoy this scene. आप लोग जो है यहाँ क्या फातिया देते हैं? जी जी फातिया आप लोग देते हैं? हाँ फातिया देते हैं। मतलब इस्लाम की उसमें तो आपको जानकारी होगी काफी? हाँ मतलब पूछा है ना, इस्लाम के जानकारी में तो आप लोगों को होगी ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे आप लोग नमाज पढ़ते हैं? जी। सना पढ़ के बताएंगे? जी। खत्म ठोस। आप पहले बताइए, आप बताइए पहले, आप सना पढ़िए। सना को सुभान अल्लाह पढ़िए ना। आप कह रही हो क्या पढ़ी? आप फांसिया देते हैं ना यहाँ? हाँ। सुभान अल्लाह पढ़िए जो नमाज में पढ़ी जाती पहले। ये भी बैठ के आराम से बैठिए। बताइए चक्कर आ रहा? अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। सकी अचिल पूछो, हम बीट पे होके हुआ मरीज ना। अच्छा अब इतना बोल दिए हैं तो मतलब ये बात करने में आपको चक्कर आता है? फातिया कैसे देते होंगे आप? फातिया ही लोग देते हैं। अच्छा आप क्या करते हैं? हाजी जी यार हम हो मतलब यहाँ क्या पैसा समेटते हैं सिर्फ? हाँ पैसा समेटते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नबी इस्लाम का जो बर्थडे मना रहे हैं और फिर वो केक काटते हैं, फिर पूरी एक्टिविटीज करते हैं और वो कयास करते हैं उसको पाकिस्तान के नेशनल डे के ऊपर या जिना डे के ऊपर या इकबाल डे के ऊपर, वो गलत है। रसूलुल्लाह की शख्सियत एक मजहबी शख्सियत है, आप इस्लाम के साथ जो चीज मंसूब की जाएगी वो मजहब की बुनियाद पर होनी चाहिए, अदरवाइज वो फिर दीन बन जाएगी। और आपको नजर आ रहा है कि वो फिर वो कहते हैं सवाई इबलीस के सब भी तो जहां में खुशियां मना रहे हैं, यानी एक चीज खुद उन्होंने दीन में दाखिल की है और जो नहीं कर रहा उसको वो इबलीस कह रहे हैं। और उनको ये पता नहीं वो इबलीस किसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नऊज़बिल्लाह सहाबा को, अहले बैत को, ताबईन तबा ताबईन को। जाहिर है वो तो खुद मानते हैं कि 8वीं सदी हिजरी के अंदर ये बादशाहों के ज़ेरे असर ये सारी एक्टिविटीज जलसे जुलूस और ये सारे मामला शुरू हैं। आपने वैसे एक रबीउल अव्वल में सीरत के ऊपर या इवन नबी इस्लाम के मिलाद के ऊपर, आप इस्लाम की सूरत के ऊपर प्रोग्राम करने जरूर करें, बाकी उसको बर्थडे के तौर पे उस तरीके से मनाना और इसको एक दिन की एक्टिविटी को इतना यानी जुज्वे लाजिम करार दे देना कि जो नहीं कर रहे उन पे गुस्ताखी के फतवे लगाना, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है।
और ना ये कोई ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर आप किसी के ऊपर को फतवा लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं, जो दावत और तबलीग के काम में अंबिया इकराम की जो दावत है उसको आगे लेके चल रहे हैं, आप उन पर्सनैलिटीज के साथ उस तरह की एक्टिविटीज को मंसूब ना करें। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। Brother, what's that? What's that, brother? अच्छा, इस तरह के वाक्यात को अगर आप हाईलाइट करें तो ये इन्हें जस्टिफाई करने के लिए कुरान सुन्नत से कोई चीज नहीं पेश करते, उससे पुराने किसी बाबे की कोई बात बता देते हैं जी, उन्होंने भी देखी था, वो भी तो है यार। हाँ, हमें किसकी दोस्त लगाते हो भाई, हम तो उनको भी यही कुछ समझते हैं जी। इंजीनियर साहब बुजुर्गों के खिलाफ क्यों बोलते हैं भाई, बुजुर्गों ने काम ही इस तरह का किया? नहीं नहीं, बुजुर्गों ने नहीं किया, ये उनके मानने वाले कहते हैं। भाई मानने वाले जब उन बुजुर्गों को इसी तरीके से मानते हैं तो मैं उनकी सफाई क्यों पेश करूं? कल को कोई गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की सफाई पेश करना शुरू कर दे तो मैं ये कहूं कि उसने दावे नबूवत ही नहीं किया था? बताएं भाई, जो उसके मानने वाले कह रहे हैं उसी को आगे लेके चलेंगे ना। 500 साल बाद कोई आगे कहे नहीं नहीं ये तो कादियानी गलत कह रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा वलीउल्लाह था, उसने दावे नबूवत ही नहीं किया। इस तरह तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस तरह हमें वो सिख कहते हैं ना कि जी ये बाबा गुरु नानक भी हमारे हैं, हम कहते हैं जी वो तो आपके हैं, वो कहते हैं बुले शाह भी हमारे हैं, हम कहते हैं जी ले जाए आप ही, हां मेहरबानी करो साड़ी दान छोड़ो, कहते हैं नाच के मुर्शिद बनाया उन्होंने। तो इस तरह ये आप लोग ले जाए यार, हमें कोई जरूरत नहीं बुजुर्गों की। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यू, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। कासम ननौतवी मदरसा देवबंद के बानी कहते हैं, मियां लोग क्या कहेंगे, यानी कर नहीं गया तो अंदर ला जा मनु। उसने ये गौर करें, उसने कहा लोग क्या कहेंगे, उसने ये नहीं कहा कि आप गलत हरकत कर रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कहेगा, फरिश्ते क्या सोच रहे होंगे, उनका लोग क्या कहेंगे, उनका लोगों को कहने दो, देवबंद दिमाग बंद।